माँ ने क्या कहा? चुप हो जा तू। तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने कमरे में। मैंने तुम्हें बोल दिया मुझे लड़का ही चाहिए। अब की बार लड़की हुई तो सुन लिया ना तुमने माँ ने क्या कहा? वो मुझे भी मार देगी और तुम्हें भी मार देगी। मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। कौन पढ़ाएगा इनको? दहेज कौन देगा? कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? तुम्हें पता है कि दहेज में कितना कुछ करना पड़ता है। अगर लड़की को दहेज नहीं दिया तो लोग ताने मारते हैं। आई बात समझ में? माँ जी मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था इसके पास तो लड़की होगी, लड़का तो होगा ही। नारी जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। डॉक्टर के पास ले जाते हुए महिला को, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है या नहीं? नहीं मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? अच्छा तो रुको, ये रहे तलाक के पेपर और कर दो इन पर साइन। डॉक्टर के पास आती महिला, माँ जी इसके पास तो लड़की ही होगी। एक बार फिर सोच लो, दोबारा से फिर सोच लो। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हर समय गलत होता है, हर समय गलत होता है। बस रहने दो डॉक्टर, देख ली मैंने तेरी रिपोर्ट और टेस्ट। तेरे को तो इस काम के लिए पैसे मिले हुए हैं, तू अपना काम कर। ये पकड़ पैसे। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, यह अत्याचार मत करो। आप भी तो कभी एक लड़की थी और मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी इस बच्ची को मत मारो। डॉक्टर ले जा इसको यहाँ से। वो कन्या है वो जन्मदाता है, वो कन्या है वो जन्मदाता है। तू कौन होता है जो इसे मिटाता है? तू कौन होता है जो इसे मिटाता है? एक कन्या की माँ के गर्भ में पुकार सुनिए इसके शब्दों से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से बैठकर सुनिए एक बच्चे की पुकार। माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पर किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, उनसे पहले आप सभी ने मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मैं जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ स्कूल फीस की चिंता मत करो, मैं भैया की किताबों से अपने आप पढ़ लिया करूंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, इस ऑपरेशन पर अपने पैसे खराब मत करो। मैं ही भगवान जी से कहूंगी कि माँ मेरा मरा मुंह देखेगी। हे भगवान ये हमारे हाथों से क्या अनर्थ होने जा रहा था। शुक्र है भगवान आपका कि आपने हमारी आंखों से इस अन्याय की पट्टी को हटा दिया और हमें बता दिया कि हम इस नन्ही सी बच्ची की ज-
जान लेने जा रहे थे। शुक्र है भगवान, आपका शुक्र है। सुमन मुझे माफ कर दो प्लीज। सुमन आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार किए हैं प्लीज सुमन मुझे माफ कर दो। बहू रानी क्या सोच रही हो, चलो घर चलते हैं, नन्ही परी की तैयारी भी तो करनी है। बराबरी का साथ निभाएं महिलाएं अब आगे आएं। बराबरी का साथ निभाएं महिलाएं अब आगे आएं। एक महिला क्या नहीं बन सकती, महिला एक डॉक्टर बन सकती है, एक महिला पुलिस बन सकती है, तो एक महिला शिक्षक बन सकती है। एक नारी के एक नहीं बल्कि अनेक रूप हैं, बल्कि अनेक रूप हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया प्रस्तुति हमारे जो स्मार्ट क्लास की टीचर हैं उन्होंने दी, इनका जोरदार स्वागत। आंखों में इन्होंने बहुत इमोशनल कर दिया, आंखों में आंसू आ गए कि एक बुढ़िया जो होती है वो बहुत जरूरी है और उसकी कीमत जिसके पास नहीं होती शायद उसको पता है कि एक लड़की होनी कितनी जरूरी है। और इनके एक्ट को देखकर डॉक्टर रामा अवतार ने 200 रुपये इनके एक्ट को दिए हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर समा प्रवीण से जी से बोल लूंगा कि वो इनका जो ग्रुप है उनको सम्मानित करें। ग्राम में सराहनीय कार्य ये कर रही हैं, उनके लिए इनको सम्मानित करती हुई सोसाइटी की तरफ से हमारे असल में बिलासपुर से। और द्वारा सम्मानित किया जा रहा है एक महिला दिवस पर, तो जोरदार ताली आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव के सराहनीय कार्य करने के लिए।
इनको भी सम्मानित करते हुए असहमत बिलासपुर में और इंदौर इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद इनके बाद एचआर कत्तर जी जो आए हो, एचआर कत्तर न्यूज चैनल जो बिलासपुर क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। और तो एक बार फिर जोर की ताड़ियां।